अस्सलाम वालेकुम। अफिलिएट मार्केटिंग यानी अमेज़ॉन अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली मेरा टारगेट है, और इसकी जो ब्लॉगिंग है उसमें सबसे जो बड़ा मसला आता है वो आता है कीवर्ड रिसर्च के बाद के आर्टिकल उसके ऊपर कैसे लिखा जाए, उसके ऊपर जो पोस्ट लिखनी है कंटेंट उसमें कैसे डाला जाए, उसका क्या स्ट्रक्चर हो, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, और कैसे जो है ना वो उसको हम गूगल में रैंक करना है। ये याद रखें, गूगल हमेशा अच्छे कंटेंट को, रिलेटेड कंटेंट को प्रेफर करता है जिसके साथ अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हो। यूज़र एक्सपीरियंस मीन कि आपका एंगेजमेंट रेट जिससे अच्छा हो, बढ़े। तो वो अच्छा कंटेंट हम कैसे लिखें, उसके लिए एक छोटी सी गाइड मैंने बनाई है, और इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये परफेक्ट गाइड होगी और आपका जो कंटेंट है वो आपके कंपटीटर की नस्बत बहुत अच्छा होगा, और आपका बगैर किसी बैक लिंकिंग के, ऑफ पेज एसईओ के वो रैंक होगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें। पहले जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कीवर्ड में, कि आपने ये समझना है कि जो आपका मेन कीवर्ड है, जिसको एक यूज़र आ रहा है उसको सर्च कर रहा है गूगल के अंदर, वो चाहता क्या है, वो मतलब उसकी क्यूरी क्या है। मैंने देखा अक्सर औकात ये होता है कि राइटर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, वो बस कैजुअली उसको डालते हैं सर्च में और फिर उसके रिलेटेड मटेरियल देखते हैं और उसको उठा लेते हैं। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे कि उसकी यूज़र की जो क्यूरी है वो बेसिकली है क्या, तो उस वक्त तक आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते उसके ऊपर। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल आपको दूंगा, इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि पुट योर फीट इनटू यूजर्स शू, यानी कि आप अपने आप को यूँ समझिए कि आपको ये मसला है और आप गूगल को सर्च कर रहे हैं, तो आपको यूज़र के तौर के ऊपर आप जब अपने आप को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी कंटेंट इसके ऊपर जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है और क्या वो मेरा मसला हल कर रहा है, जो प्रॉब्लम जिसके लिए मैं गूगल के अंदर सर्च कर रहा हूँ वो हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो हल हो रहा है इसका मतलब है कि वो जो आर्टिकल है, जो कंटेंट है वो वैलिड है। बाज़ औक़ात वो आउटडेटेड भी होता है, आप चेक करते हैं लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये जो कंटेंट अभी आ रहा है ये आउटडेटेड है। और बाज़ औक़ात गूगल में ऐसी सर्चेज भी आ रही होती हैं जो उसके रिलेटेड नहीं होती और आप उसको छोड़ देते हैं, आप नीचे वाले रिजल्ट की तरफ चले जाते हैं। बेशक वो टॉप पर रैंक कर रहा हो लेकिन क्योंकि वो आपकी क्यूरी को जो हल नहीं कर रहा, तो उसमें ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर दूसरे को प्रेफर करेंगे, और जब आप प्रेफर करेंगे गूगल समझ जाएगा कि यूज़र जो है वो पहले या दूसरे रिजल्ट के ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये जो कंटेंट है ये सही नहीं है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा। अभी एक हम कीवर्ड है वो गूगल के ऊपर आप सर्च करते हैं, मसलन What shoes work best, ये मैंने क्यूरी की हुई थी। अच्छा ये देखें, अब मैंने ये क्यूरी की है, उसमें मैंने कहा है कि व्हाट शूज वर्क बेस्ट फॉर प्लांटर फैसिटिस। तो उसमें अब गूगल ने मुझे ये रिजल्ट दिए हैं। अब इसमें पहले रिजल्ट को चेक करेंगे। ये कह रहा है कि The three best work shoes for planter facetis. अच्छा अब इसमें आप ये देखें कि ये facetis के लिए जो work shoes हैं वो ये बंदा recommend कर रहा है, जबकि मेरी ये query नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि कौन से अच्छा काम करते हैं, जो shoes हैं जो अच्छा काम करते हैं, और ये देख रहा है जो काम करने वाले जो पहनते हैं और उसको ये मसला है, और तो उसके लिए ये जो तीन shoes हैं वो best हैं। तो ये इसका मतलब है कि गूगल ने के पास एक अच्छा रिजल्ट नहीं था तो उसने इसको रैंक कर दिया, वरना ये रिलेटेड नहीं है। ये क्यूरी जो है वो जो यूज़र करना चाह रहा है वो उसका आंसर ये नहीं दे रहा। उसके बाद ये देखें दूसरी आ रही है, एट प्लांटर शूज़ ब्रांड यू कैन ट्रस्ट। अब ये भी रिलेटेड क्यूरी है, और इसलिए है कि इसने ये नीचे स्निपेट के अंदर बेस्ट प्लांटर शूज़ दिया हुआ है,
एक्चुअली वो बेस्ट प्लांटर शूज़ को ही सर्च कर रहे होते हैं आप, लेकिन आपका सर्च करने का अंदाज़, आपका कीवर्ड टाइप करने का अंदाज़ हर आदमी का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अब कोई आएगा वो सिंपल लिखेगा कि बेस्ट शूज़ फॉर प्लांटर फैसिलिटीज, बट सम टाइम जो बंदा आएगा वो इस तरह का एक क्वेश्चन टाइप करेगा, गूगल से हेल्प लेगा, ठीक है। अब जो डायरेक्टली लिखता है बेस्ट शूज़, वो तो एक बायर है, मतलब है कि उसका इंटेंट है कि मैंने शूज़ ख़रीदने हैं, तो वो सेलेक्ट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सर्च कर रहा है, इसको उसकी गाइड भी चाहिए, यानी कि वो चाहता है कि मुझे पता चले कि कौन से शूज़ हैं इसके लिए, और वो क्या, यानी कि वो वाकई उसके लिए काम करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर जेन के अंदर शक है, ये इंटेंट हमें शो कर रहा है इस कीवर्ड के साथ, तो इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आप आगे चल के उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद है कीवर्ड टाइप, जो मैंने थोड़ा सा जिक्र भी कर दिया है कि कौन सी कीवर्ड है, कीवर्ड इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है या कमर्शियल कीवर्ड है। तो इसमें हमने देखा है कि ये कमर्शियल कीवर्ड है, लेकिन जो इसके अंदर का इंफॉर्मेशनल कंटेंट या बायर गाइड भी वो बंदा देखना चाहता है, वो डायरेक्टली ये नहीं चाहता कि वो बेस्ट शूज़ को देखे और उसमें से सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो बहरहाल दो किस्म के मेन कीवर्ड होते हैं, एक इंफॉर्मेशनल है या उसके अंदर कमर्शियल है। कमर्शियल जो होगा, बेस्ट टाइप जो कीवर्ड हैं वो मतलब है कि यूज़र देखना चाहता है कौन सा अच्छा है और वो ख़रीदना चाहता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है, वो उसके बारे में वो मालूमात लेना चाह रहा होता है कि इसके बारे में क्या है। तो चूंकि आपने काम करना होता है अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए या कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो उसमें इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की रेशियो ज़्यादा हम रखते हैं, क्यों, ताकि उसके ऊपर हमारी ट्रैफिक आए और गूगल की नज़रों में भी हम वैलिड हो। सिर्फ कमर्शियल से हम अगर पे चलेंगे तो उसकी अच्छी रैंकिंग नहीं आती। बहरहाल ये है वो क्यूरी का, वो मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट। अगला जो पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि हमने अपने एनालाइजर को अपने कंपटीटर को एनालाइज करना है कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है जी। क्योंकि हमने अब इस कीवर्ड के ऊपर हम आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो हमारा ज़ाहिर मकसद है कि हमने रैंक करना है, ठीक है, और रैंक किन की जगह पे करना है, ये जो लोग, ये जो क्यूरी के नतीजे में ये जो लोग आ रहे हैं पहले पेज के ऊपर, मिनिमम हमारे जो टारगेट है वो तो ये है कि हम इस basal.com की जगह पे हमने आना है, नहीं तो कम से कम लकी शूज़ या प्रिवेंशन या इन इनमें से किसी एक की पे तो लाजमी है हमने इनिशियली अपने आर्टिकल को रैंक करना है। उसके लिए सबसे पहले ज़ाहिर है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो देखते हैं कि आपका कंपटीशन क्या है, ठीक है, और कंपटीशन जब होगा जिन लोगों के साथ, आपने ज़ाहिर है उनसे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है, तब जाके आप यहाँ पे रैंक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने कंपटीटर को एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने के लिए जो मेरा तरीकाकार है वो यही है, सिंपली आपने क्यूरी की है, उसका जो रिज़ल्ट आया है इन लोगों को आप ओपन कर लें, ठीक है जी। कम से कम पांच को आप एनालाइज़ करें कि ये पांच लोग जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, कैसा कंटेंट लिख रहे हैं, टॉप जो फाइव है। लेकिन मैं यहाँ पे, अभी टाइम नहीं है तो मैं तीन को ओपन कर रहा हूँ। अब ये देखें, इस बंदे को हमने सबसे पहले खोल लिया basal.com वाले को, और दूसरा जो है ये लकी फीट है, ये कोई ई कॉमर्स स्टोर है क्योंकि ये यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट भी और सारा कुछ दिया हुआ है, और तीसरा जो है ये बहुत बड़ी वेबसाइट है prevention.com, और इसको हमने ओपन कर लिए और इसकी भी आर्टिकल हम देख रहे हैं। अब हमने इसमें देखना क्या क्या होता है कंप्यूटर का, ठीक है। इसके जो हमने आर्टिकल है उसको थॉरली हमने पढ़ना होता है, पढ़ लें इसको आर्टिकल को कि ये क्या उसमें लिख रहा है, क्या कर रहा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहा है। उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि उसका जो आर्टिकल है वो उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि उसने जो कीवर्ड है उसको यहाँ पे यूज़ किया या नहीं टाइटल टैग के अंदर, ठीक है। टाइटल टैग के अंदर उसने अगर यूज़ किया है, इसका मतलब है कि ऑन पेज एसईओ उसका अच्छा है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पहले मैंने बताया कि उसका कंटेंट रिलेटेड भी है या नहीं है। अब ये जो बंदा है इसको हम एनालाइज करना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बंदे ने इसकी जो आंसर दिया है वो आंसर है ही नहीं जो इसके लिए यूज़र सर्च कर रहा है, ठीक है। अब वर्क शूज़ उसको चाहिए कि नहीं चाहिए,
10 में से हो सकता है एक ऐसा भी हो जिसको ये वाकई वर्क शूज़ चाहिए, लेकिन वो जनरल शूज़ के बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें उसके इंटेंट का नहीं पता कि वो वर्क शूज़ की बात कर रहा है, वो वर्क बेस्ट की बात कर रहा है कि जो अच्छा काम करते हैं, तो ये इतना रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मेरी नज़र में। बहरहाल हम इसके भी, अब ये क्यों यहाँ पे बैठा है, क्योंकि इसका कीवर्ड चूंकि वर्क इसमें भी इस्तेमाल हुआ था और उसकी वजह से, और दूसरा ये कि इसमें हमने देखना है कि ये रैंक कर रहा है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल का स्ट्रक्चर हमने देखना है, उसने आर्टिकल को कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है, कि उसने पहले गाइड दी है, उसके बाद उसने प्रोडक्ट्स को एंटर किया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, उसके H1 टैग, ये चीज़ें आगे हम करते हैं। डेट पब्लिश का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है कि इसने ये आर्टिकल लिखा कब है, ठीक है। अक्सर औकात यहाँ पे डेट दी होती है और बाद औकात ये डेट नहीं भी देते, लेकिन बहरहाल पता चलना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है वो कब पब्लिश हुआ है, और उसका हम यानी कि अगर वो 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले हुआ है तो ज़ाहिर है वो आउटडेटेड हो सकता है, लेकिन ये तो कंटेंट ऐसा है जिसके ऊपर जो है ना वो इतना ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये डेट पब्लिश भी हमने देखनी होती है। अच्छा, इसका ये कब हुआ, ये देखें, ये 25 अक्टूबर 2019 को हुआ है, ये इतना पुराना आर्टिकल नहीं है, ठीक है, और ये रैंक भी कर रहा है। और इसका क्या है जी, ये भी देखें, नवंबर 16 को हुआ है, तो ये इतना आउटडेटेड कंटेंट नहीं है। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हमने क्या देखना है जी, कि आउटबाउंड और इनबाउंड लिंकिंग उसने कैसी की हुई है, ठीक है जी। अब इसके अंदर आउटबाउंड लिंक जो होते हैं वो इसने सही किए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, इसने ये लिंक किया हुआ है, PGA फुट एंड एंकल पी, ये किसी को लिंक किया हुआ है, और उसके बाद जो है ना ये अमेरिकन अकेडमी को भी इसने लिंक किया हुआ है। ये देखें, इसने हर जगह के ऊपर लिंकिंग की हुई है, बर्जिन और ट्रीटमेंट फॉर ये अभी अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये किसी और जगह पे हमें ले जाएगा, किसी और वेबसाइट के ऊपर। और ये देखें प्रिवेंशन के ऊपर इनका एक और अपना आर्टिकल है, ये इनबाउंड लिंक है, ठीक है, ये इसने इनबाउंड लिंक यूज़ किया है, अपने ही आर्टिकल का लिंक इसमें दिए। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उस वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग भी और आउटर लिंक भी। अब यहाँ पे हम देखें तो इसने ये जो अमेरिकन अकेडमी का किया है तो ये आउटबाउंड लिंक है, ये देखें, आर्थो इन्फो डॉट AAOS.org, ये कोई गवर्नमेंट की वो है मेरे ख्याल में, साइट है या किसी एजेंसी की है। बहरहाल इसके ऊपर इसने लिंक किया हुआ है, ठीक है, ये देखें, और इसने लिंकिंग की हुई है। और ये लिंकिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको, आपके जो गूगल है उसको पता चलता है कि आपने जो कंटेंट दिया हुआ है, यानी वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपकी एक वैलिडिटी बनती है, एक आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है गूगल की नज़रों में, कि आप एक अथॉरिटी वेबसाइट्स के साथ यानी अटैच हैं। जो बैक लिंक्स अगर किसी अथॉरिटी साइट से आ रहा है तो वो भी ज़ाहिर है आपका ट्रस्ट को बढ़ाता है, लेकिन ये जो आप खुद जाके किसी के साथ लिंक कर रहे होते हैं शुरू शुरू में, जब नई वेबसाइट्स होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वेटेज मिलती है इसकी भी, तो ये चीज़ हमने चेक करनी, ठीक है जी, ये भी चेक कर लिया। उसके बाद जनाब आपने देखना है कि इसमें इसमें कैसी इमेजेस इसने इस्तेमाल की हुई हैं, और बुलेट्स भी इस्तेमाल किए हैं या नहीं, या स्ट्रक्चर हमने देखना है इसके अंदर कि इसने बुलेट्स किए हैं, ये देखें, इसने बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और उसके बाद टेबल वगैरह इसने यूज़ किया, इसने कोई टेबल यूज़ नहीं किया, ठीक है। और अब आपके पास मौका है कि आपने एक टेबल इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा उसमें मिलेगा। आप ये देखें, इसने भी बुलेट्स भी यूज़ की हुई हैं और काफ़ी जगह भी यूज़ की हुई हैं, और एक बड़ा वो दिया हुआ है गाइड जो है ना, अच्छी सी गाइड प्रोवाइड की हुई है, और फिर जाके इसके अंदर उसने मेरे ख्याल में प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कोई नहीं की हुई, और इसकी रीडेबिलिटी बहुत पुअर है, ये भी हमें चेक करना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है जी, रिलेटेड कीवर्ड, यानी कि इसने आपने उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड और इस्तेमाल किए हुए हैं। अब एक तो ये मेन कीवर्ड था जिसके ऊपर ये रैंक कर रहा है, ठीक है, अब ये बेस्ट शूज़ के लिए भी रैंक कर रहा होगा, क्योंकि ये बेस्ट शूज़ का भी इसने कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है जी, इन 2020। और ये पेडियाट्रिस्ट का भी इसने कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद ये ना, व्हाट इज़ प्लांटर फैसिस, ये एक इसकी H2 हेडिंग है, H2 हेडिंग इस मीन इसका ये भी कीवर्ड रिलेटेड इसने दिया हुआ है। हाउ टू शार्प,
फॉर द बेस्ट, ये भी है कि उसने एच टू टैग इस्तेमाल किया, ये भी रिलेटेड कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इनमें भी हम देख सकते हैं कि ये इसने क्या किया हुआ, यानी एनाटॉमी और काजेज उसकी दी हुई हैं, रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये भी हमारे वो हो सकते हैं रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है। अब इसने क्या कौन कौन से किए हुए, हाउ टू यूज़ अ नाइट स्प्लिंट टू ट्रीट प्लांट फ्लाइज, ये भी देखें इसने यूज़ किया हुआ है उसके अंदर, है नहीं रिलेटेड कीवर्ड्स। बल्कि ये तो वो लिंकेज था, वो मेन था ही नहीं। ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं, ठीक है जी। ये देखें इसने क्या कौन कौन से किए, प्लांट फ्लाइज यूज ब्रांड यू कैन ट्रस्ट, और ये इसने रिलेटेड कीवर्ड है, ये रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है। प्लांट फ्लाइज शूज यू कैन ट्रस्ट के ऊपर जो ना उसने लिखा हुआ है, हालांकि ये रिलेटेड के ऊपर ही इसने लिखा हुआ था आर्टिकल, लेकिन वो रैंक इस कीवर्ड के ऊपर कर रहा है क्योंकि इसके कीवर्ड के ऊपर गूगल को वो मिला नहीं है, एग्जैक्ट कंटेंट मिला नहीं, तो इसने इस रिलेटेड को वो कर दिया। बहरहाल ये चीज़ें हैं, आपने ये देख लिया इसके अंदर इसने कैसे यूज़ किए हुए हैं, ये ब्रांड वाइज इसने यानी कि देखें टेबल बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छा उसने स्ट्रक्चर किया हुआ है उसके अंदर, पिक्चर्स दी हुई हैं हर चीज़ की, अलग अलग पिक्चर्स उसने ऐड की हुई हैं, और ये पिक्चर्स हम यानी कि कापी राइटेड नहीं यूज़ कर सकते, ये भी याद रखिएगा कि हम ऐसा नहीं कि यहाँ से कापी करके हम अपने पास वो कर लें, ये नहीं हो सकता। अच्छा ये बहरहाल ये चीज़ें उसने की हुई हैं, और फिर आखिर में इसने क्या आपको वेयर टू बाय ब्रांड्स, अच्छा ये फिर इसने अपने स्टोर का मेरे ख्याल में किया हुआ है, ये मुख्तलिफ उसका इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये है भी ई कॉमर्स स्टोर है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे आ रहा है इसका। अच्छा तो ये चीज़ होगी, और हमने इसके अंदर क्या चीज़ देखनी है जी, कि प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो चेक करनी है, मैंने आपको बताया कि वो कैसे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, कि एक तो ये तरीका है कि आपने देख लेना है आपने कंपटीटर को, उसने कौन कौन सी अमेज़ॉन से, अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट हैं तो आप चेक करेंगे ये इसने अमेज़ॉन से लिए हुए हैं या कहाँ से लिए हुए, ठीक है। प्रोडक्ट्स ये इसने बायोनिक वालों का एफिलिएट है, ये इसने यहाँ से डायरेक्टली लिए हुई हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट बार आपके सामने आ गई, ये अमेज़ॉन पर भी आपको उम्मीद है मिल जाएगी, तो इस तरीके की यानी कि आपने चेक करनी है। और इसका जो फोकस क्या है, ज़्यादातर ये वुमेन के ऊपर इसने फोकस किया हुआ है, और ये सारे शूज़ वुमेन के लग रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उसने जो क्यूरी करने वाला है उसका आपको पता नहीं है, उसने कोई यूज़ नहीं किया कहीं पे भी कि मैं मेन के लिए चाहिए या वुमेन के लिए चाहिए, हाँ इसमें ये ज़्यादातर वुमेन का ही है। अच्छा बहरहाल ये चीज़ें आप यहाँ से भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो अपने कंप्यूटर की हैं, लेकिन सारी नहीं करनी होती, कुछ करनी होती है कि एक दो आपने वहाँ से ले ली, इसी तरीके से ये है, और इसके इसने तो उसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह डाली नहीं बल्कि ये तो वही है, ये है इसको देखते हैं, बसल्स वाले ने डाली हुई, ये देखें इसने अमेज़ॉन की डाली हुई, ठीक है। ये अमेज़ॉन से आप देख सकते हैं कि इसके कैसे आ रहा है, कि इसका 4.6 इसकी रेटिंग आ रही है, ठीक है, और बाकी भी इसकी डिटेल हम चेक कर सकते हैं, और इसके नीचे हम रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं कि लोगों ने कैसे रिव्यूज़ किए हुए हैं और सारा कुछ। ये तो हो गया, अब प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करनी है इसके ऊपर अलग से एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ था, लेकिन यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपने आप देख रहे हैं कि बेस्ट शूज़ फॉर प्लांटर फैसिलिटीज, इसका मतलब है कि ऐसे शूज़ आपको चाहिए जिनके जो आर्क स्पोर्ट मुहैया करते हों, जो ज़्यादा स्पोर्टिव हों और जो शॉक ऑब्जर्व कर सकते हों, इस तरह के शूज़ आपको चाहिए। तो आपने यहाँ पे सिंपली गूगल के ऊपर ही बेस्ट सेलर अच्छा करके और आगे आप लिख देंगे शूज़ विद आर्क स्पोर्ट कर दें, आर्क स्पोर्ट बेस्ट सेलर अमेज़ॉन का, यहाँ पे वैसे बेस्ट अमेज़ॉन बेस्ट सेलर करना चाहिए, भारत ये फिर भी रिजल्ट इसने दे दिया। तो ये बेस्ट सेलर हैं, ये यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाएंगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपको उसमें जो बेस्ट सेलर होंगे वो दिखाएगा, यानी अच्छी वाली जो प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा सेल हो रही हैं वो आपको वो यहाँ पे शो करवाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप आ गए हैं तो फिर आप
कोई भी शूज़ आप सर्च कर सकते हैं। इसमें आपने देखे हैं कुछ शूज़ इसने दिए भी हुए हैं, लेडीज़ के हैं और कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास अब वो उसके हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से आपने एवरेज कस्टमर रिव्यू का फिल्टर लगा लेना है, तो उसके ज़रिए फिर आपको जो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ये मुख्तलिफ रिजल्ट्स ये देखें आपके सामने आ रहे हैं। इसमें आपने देखना ये होता है कि एक तो सबसे पहली चीज़ तो है रैंकिंग, उसकी रैंकिंग कैसी है। ठीक है जी, जो शूज़ आप इस्तेमाल करें कम से कम उसकी 4.0 से ऊपर रैंक होनी चाहिए, रैंकिंग होनी चाहिए, और कितने लोगों ने उसको रैंक रिव्यू किया हुआ है। यानी आप देखें इसको 6,279 लोगों ने यूज़ किया हुआ है, अपना रिव्यू किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक लेजिट है, एक अच्छी अच्छी प्रोडक्ट है। ये 4.8 इसकी है और इसकी 4.8 है और इसकी 4.7 है। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी होती हैं। ठीक है, और फिर ये देख लें ये $90 का, इसका भी 4.6 आ रहा है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की आप यहाँ से वो कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद जब आप इसको प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जब उसमें जाएंगे तो उसमें और देखनी होती हैं। मसलन आपने ये एक शूज़ हैं, यहाँ से हम देखते हैं ये शूज़ हैं। ठीक है जी, वाक एलीट स्केचर्स वालों के हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें आपने आप मज़ीद आगे देख लेते हैं कि ये 4.8 इसकी रेटिंग आ रही है, और ये इसके फीचर्स जो आ रहे हैं कि ये इसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुआ है, और ये और फिर इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसको आपने पढ़नी होती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, क्वेश्चंस एंड आंसर आप इसके देख लें कि उसमें वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छा इसके प्रोडक्ट के बारे में आइडिया मिलेगा। और ये जो रेटिंग है, ये यहाँ पे जो रेटिंग आ रही होती है बाय फीचर्स, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो कैसे हैं, मतलब है कि टो बॉक्स 92%। ठीक है, विड्थ इसकी वो है, ट्रू टू विड्थ है। ठीक है, यार्क सपोर्ट मॉडरेट है इसकी, तो यहाँ से आप अपने उसके लिए ले सकते हैं कि ये कैसा वो परफॉर्म करे अपने आर्टिकल के लिए। फिर यहाँ पे आपने जो टॉप रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है जी, ये रिव्यूज़ आप पढ़ लेते हैं, इसमें आपको पता चलता है कि इसके कौन से पावरफुल फीचर्स हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। ये देखें, ये बता रहे हैं कि अमेजिंगली लाइट हैं, लाइट वेट हैं, सोल आर वेरी रोबस्ट। ठीक है जी, थ्रेड और हैज़ डीप ग्रिप, ये चीज़ें वो मतलब है कि ये अच्छी खासी इंफॉर्मेशन यहाँ से रिव्यूज़ के ऊपर आपको बहुत अच्छी मिलती है, और यहाँ से आप उसके प्रोज़ उस प्रोडक्ट के प्रोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और हमेशा जब भी प्रोज़ को लिखें तो वो इस तरह के बड़े बड़े पैराग्राफ प्रोज़ के अंदर नहीं डालने होते, बल्कि एक ब्रीफ एक सेंटेंस के अंदर आपने उसको कवर करना होता है। फिर इसके आपके क्रिटिक्स जो होते हैं, यानी वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि ये तो इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं जो वो हैं। ठीक है, आप इसके जो नेगेटिव रिव्यूज़ अगर इसके ऊपर ये देखें, किसी ने 1 स्टार भी दिए हुए हैं, 1% ने, 2 स्टार भी किसी ने दिए हुए हैं, ऐसे लोग भी होते हैं हर हर उसमें। ठीक है, तो उनको भी आपने चेक करना है कि वो जो रिव्यूज़ नेगेटिव आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, और उसके अंदर लोग कौन कौन से चीज़ें जो है ना वो पसंद नहीं कर रहे हैं इसकी, तो वो आपके कॉन्स हो जाते हैं कि ये इसके अंदर जो कॉन्स हैं वो क्या कौन कौन से। अच्छा जी, यहाँ से आप आए ना लोड मोर में, और इसका एक ऑप्शन आ रहा होता था जिसके अंदर वो क्रिटिक्स का अलग से वो दिखा रहा होता था कि ये क्रिटिक्स आप कैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल ये रिव्यूज़ मोस्ट रीसेंट करें, और ये देखें, ये एक बंदे ने इसको नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ है, फिट परफेक्टली बट द वंस आई बॉट फ्रॉम अमेजॉन वर वे टू स्मॉल फॉर साइज़। ठीक है, ये स्माइल साइज़ का इसको प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसने इसको रिव्यू अच्छा नहीं किया, नॉट लाइक द ओरिजिन गोगा, ये देखें इसने भी यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से आप प्रोज एंड कॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और रिव्यूज़ लाजमी उस प्रोडक्ट के पढ़ने चाहिए और उसकी
प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो, और यानी कि जो बायर की तरफ से अगर कोई गाइड दी गई है उसके बारे में, कोई मैनुअल प्रोवाइड किया गया, तो उस मैनुअल को भी आपने पढ़ना होता है, और उसके ज़रिए आप अपनी एक अच्छी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि एक तो ये कि आपने अपना कीवर्ड जो है वो मेन टाइटल टैग के अंदर एज इट इज़ करें, कोशिश करें, अदरवाइज मतलब अगर एज इट इज़ नहीं कर सकते तब भी वो कीवर्ड आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि वो आपका टाइटल भी ऑप्टिमाइज्ड हो और उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। और उसके बाद जो है ना वो क्या करना है कि आपने अब जब आपने सर्च क्यूरी की है ना, तो आपने देखा होगा कि जिस चीज़ का अमूमन लोग ख्याल नहीं करते, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमने क्यूरी की थी ना, तो इसमें ये देखें, एक तो ये है कि इस बंदे ने देखें वो एक यूज़ किया है स्कैमा मार्कअप, तो इसका रिजल्ट ये आप देख लें। अच्छा, अब इस बंदे ने इसमें ये देखें, ये इसने स्निपेट एक दिया हुआ था है ना, तो वो स्निपेट लाजमी हर आर्टिकल का जो है ना वो देना चाहिए। स्निपेट क्या होता है? स्निपेट ये होता है कि आप उसका एक क्विक आंसर देते हैं, जो भी क्यूरी है ना उसका एक दो सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम आपने एक क्विक आंसर देना होता है जो कि यहाँ पे शो कर रहा होता है। ठीक है, अब इसका स्निपेट देखें। अब ये देखें, आपने इसने हाईलाइट किए हुए बेस्ट प्लांटर शूज, ये गूगल ने हाईलाइट किए हुए, ठीक है, ये कीवर्ड रिपीट हुए हुए है इसके अंदर, इस स्निपेट के अंदर, तो इस स्निपेट के अंदर भी आपने मेन कीवर्ड को रिव्यू करना होता है। और लेकिन ऐसे तरीके के साथ के थोड़ा सा ब्रेक करके के वो बिल्कुल ही वो यानी कि ऑड ना लगे बल्कि और उसमें वो फिट हो जाए। तो ये स्निपेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्निपेट जब आपने देना होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी भी, कि एक बल्कि एक अच्छा आर्टिकल लिखने की एग्जांपल जो मुझे बहुत पसंद आते हैं इनके आर्टिकल, डर बाइक प्लेनेट वालों के, ये इनकम स्कूल वालों की वेबसाइट थी, उन्होंने भेज दिया ये जो स्निपेट यूज़ करते हैं ना, इसके ये देखें, ये देखें, ये क्यूरी क्या कर रहा है जी, कि टाइटल्स फॉर डर्ट डर्ट बाइक्स मेन इसका कीवर्ड है, व्हाट यू नीड टू नो व्हेन बाइंग और सेलिंग। ठीक है, तो इसका ये देखें, इसने ये दूसरे पैराग्राफ को बोल्ड किया हुआ है, ये स्निपेट है, और गूगल सर्च के अंदर ये शो होगा जब भी जहाँ पे भी ये कीवर्ड रैंक होगा। ठीक है, टाइटल फॉर डर्ट बाइक्स आर अ फॉर्म प्रूफ ऑफ लीगल ओनरशिप, दे आर नॉट वेरी कॉमन इन द सेल ऑफ डर्ट बाइक्स। यानी ये एक इसने एक क्विक आंसर इसका यहाँ एक पैरे के अंदर दिया हुआ है, तो इस तरह का एक स्नेपेट जो है ना वो लाजमी ये मस्ट है कि आपने उसको ऐड करना होता है। ठीक है, फिर आगे आप उसकी जो गाइड वगैरह है वो आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा वो आर्टिकल इनके लिखे होते हैं, यहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं, ये अमेजोन एफिलिएट के ऊपर ही काम करते हैं, और इनकी बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। और ये देखें, इन्होंने देखें इसमें अंदर कैसे टेबल, एक बिल्कुल सिंपल सा टेबल है लेकिन टेबल यूज़ किया है तो इसकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है, उसने बुलेट्स के यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फ्लो आर्टिकल का वो कैसे रखते हैं, ये चीज़ें आपने यहाँ से भी वो कर सकते हैं। तो मेन मकसद ये था कि आपको मैंने वो बताना था। अच्छा, ये कीवर्ड रिवीलर के अंदर आप क्या हो सकता है जी, कि मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी कि वर्ड काउंट वगैरह या उसकी एसईओ आप कैसे चेक करते हैं कि कितने वर्ड्स जो है ना वो उसका आर्टिकल इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आप आके कीवर्ड रिवीलर के अंदर आप चेक कर सकते हैं, अपना कीवर्ड जो है ना वो एंटर करें, और यहाँ सर्च लोकेशन जो आप जिसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब हम यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ से आपने लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश, और इसको सर्च करना है। तो याद रखें कि ये जो कीवर्ड रिवीलर वाले हैं, ये आपको दो सर्चेस कीवर्ड्स की वो आपको एक दिन के अंदर अलाउ करते हैं फ्री में, वैसे इनका फिर अपग्रेड करना पड़ता है।
तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना। अच्छा जी, अब ये रिजल्ट इन्होंने दे दिए होते हैं हमें यहाँ पे, इसका वॉल्यूम ट्रेंड और सीपीसी और प्रॉफिट और वर्ड ये वो यहाँ पे दे रहे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कीवर्ड के अंदर कितने वर्ड हैं। यहाँ आप आ जाएं, उसको एवेलुएट कर लें, जो आपका मेन कीवर्ड आ रहे हैं ये आगे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी दे रहा है वो, ठीक है, उनको भी आप कर सकते हैं। इसको हम एवेलुएट करते हैं कि ये क्या क्या इसके बारे में वो दे रहा है कि ये। अच्छा जी, ये इसके कह रहा है कि जी एवरेज जो वर्ड काउंट है ये 1523 है, ठीक है, और इसके अंदर जो पहला आर्टिकल जो इसके अंदर वो कह रहा है कि जो रैंक कर रहा है वो 593, दूसरे का 1221, मैक्सिमम कितना आ रहा है ये 5000 भी एक बंदे ने दिया हुआ है, ठीक है जी, 5000 वर्ड काउंट भी दिया हुआ है शू गाइड वाले ने। तो यानी कम से कम आपका आर्टिकल यहाँ पे होना चाहिए 3000 वर्ड्स तो होने चाहिए, ये क्योंकि 2100 2400 वाले भी हैं और ये 5182 भी है, तो ये वर्ड काउंट आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये देखें, इसने बताया हुआ है कि इन लोगों ने यूआरएल में उसको इस्तेमाल किया हुआ है, कीवर्ड को नहीं किया हुआ, टाइटल में किया हुआ है नहीं किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में किया हुआ है नहीं किया हुआ, H1 के अंदर नहीं किया हुआ, ये सारे नो नो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी ऑन पेज SEO इनकी अच्छी नहीं है, सिर्फ ये अपने PA और DA की वजह से और अपनी अथॉरिटी की वजह से रैंक कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर अच्छा आर्टिकल लिखा जाएगा इस कीवर्ड के ऊपर तो वो रैंक कर सकता है ईजीली इसके ऊपर, तो ये चीज़ हमने देखनी होती है। और इसके बारे में मैंने आपको मतलब एक गाइड करना था। जो हमारे बाकी पॉइंट्स हैं इसमें, इसके अंदर रीडेबिलिटी का पॉइंट है कि आपने जो प्रोडक्ट को जो भी अपना आर्टिकल लिखना है उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए। वो कैसे अच्छा होता है, यानी उसमें जो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं, फॉन्ट भी अच्छा होना चाहिए और सारी चीज़ें, लेकिन जो आपके राइटर्स के लिए है वो ये है कि जब आप आर्टिकल राइट कर रहे हैं तो आपने पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखें, सेंटेंसेस को शॉर्ट रखें, और ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल ना करें जो पढ़ा ना जा रहा हो। नॉर्मल फॉन्ट्स जो एरियल है या इस तरह के वो फॉन्ट हैं, मतलब है, वही इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए आप जो आपके यूज़र है वो आपका आके वो अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकें। उसके अंदर बुलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करना, उसकी हेडिंग का इस्तेमाल करना, सब हेडिंग का इस्तेमाल करना और सेक्शंस को ब्रेक करके मतलब वो करना। अब देखें ना, एक अगर लंबा पैराग्राफ है तो उसको पढ़ते हुए यानी कि आदमी को ऐसे अच्छा फील नहीं होता, लेकिन जब आप छोटा सेंटेंस छोटे पैराग्राफ्स में उसको ब्रेक कर देते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ये देखें इसने यानी 3 to 4 lines, इससे ज़्यादा उसने ये सिर्फ पहले इंट्रो में दिया, अदरवाइज ये सारे सेक्शन जो हैं इसके ये आप देखेंगे रीडेबिलिटी इसकी 3 to 4 sentences इन वन पैराग्राफ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर आगे अगर इससे ज़्यादा, और ये इसने तो सेक्शन में मज़ीद ब्रेक नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट जो रिव्यू लिख रहे होते हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो जब आप कर रहे होते हैं जो प्रोडक्ट्स आपने जो सिलेक्ट की हुई हैं उसके ऊपर, तो उसका बहुत ज़रूरी है कि आप उसको मज़ीद आगे ब्रेक करें। यानी इन्होंने नहीं किया हुआ तो आपके कंपटीटर हैं, अगर आप उसको मज़ीद सब हेडिंग्स देंगे तो ये सब फॉर्म मसलन एक स्टेट फॉर्म सॉरी और ये गी को इसने ये वो की हुई है सेलेक्ट। मैं आपको इसके एक और दिखाता हूँ, ये बेस्ट डॉट बाग आप देखें ये, बल्कि यहाँ पे आप बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें, ये कि इसने प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट किया है कि यामा 6 वोल्ट राइड, आगे इसने क्या किया हुआ है देखें, हर पैराग्राफ के बाद एक हेडिंग दी हुई है, इससे रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी हो जाती है और इसको गूगल पसंद करता है, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब इसमें देखें, व्हाट इज़ द प्राइस रेंज, हाउ सेफ इज़ दिस बाइक, ट्रेनिंग व्हील्स, उसके लो टॉप स्पीड है जी, उसके बाद स्टील फ्रेम, उसके यानी स्ट्रक्चर और उसकी कंस्ट्रक्शन, और अब ये बहुत इम्पोर्टेंट उसने जो दिया हुआ है ना सेक्शन ये वाला कि वाई दिस बाइक इज ग्रेट फॉर 6 year old, बिकॉज ये 6 year old, ये इसका की वर्ड है, ये इसका मेन की वर्ड है, ठीक है। अब इसको रिपीट करना होता है अपनी सब हेडिंग के अंदर,
ताकि यूजर को लगे कि ये जो मैं बाइक खरीद रहा हूँ या ये जो बाइक मैं देख रहा हूँ जिसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, ये वाकई उसी मकसद के लिए, उसी चीज़ के लिए जिसके लिए मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ से वो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये उसने अंदर उसने देखा है कि ये जो फीचर्स हैं इसके अंदर वो शामिल हैं, इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट को इस लिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है। तो ये बहुत लाजमी चीज़ है, सर्च इंटेंट जो मैंने आपको पहले बताया उसको समझना, प्रोस एंड कॉन्स वही होते हैं, यानी कि इसने ये कॉन्स इसमें नहीं दिए, ये इसके प्रोज हैं, ये समझने कि इसने प्रोज दिए हुए हैं कि उसने बता दिया है कि ये 6 ईयर ओल्ड के लिए लोग देख रहे हैं, या ज़ाहिर है ये पेरेंट्स होंगे, बच्चे खुद तो नहीं होते, तो उसके लिए ये चीज़ें, ये वाली जो बाइक हमने सेलेक्ट की है वो क्यों सेलेक्ट की, तो ये वाली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एक आर्टिकल के अंदर रिलेटेड वो क्यूरी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको मैंने जो मेरे पास था थोड़ा बहुत नॉलेज उसके हिसाब से मैंने आपको बता दी है, और ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको आप अगर नज़र में रखेंगे तो एक अच्छा आर्टिकल आप लिख लेंगे। और आर्टिकल लिखते हुए अगेन मैं आपको याद करा दूँ, हमेशा अपने कंपटीटर से आपने अच्छा लिखना है, यानी ये जो आपके रैंक कर रहे हैं लोग इस कीवर्ड के अगेंस्ट, कोई भी कीवर्ड है आपका वो आपने उसमें डालना है और चेक करना है अपने कंपटीटर को, और उस कंपटीटर से अच्छा लिखना है, उससे ज़्यादा लेंथ ही लिखना है, और उसके कंटेंट स्ट्रक्चर को अच्छा करना है, उसका ऑन पेज SEO यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन कीवर्ड, उस मेन कीवर्ड को आपने कैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर आगे यानी कि में सब हेडिंग के अंदर रिपीट करना है, ठीक है। और उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग, ये वो फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने समझना है। बुलेट लिस्ट आपने इसमें इसके अंदर डालनी है, हर आर्टिकल के अंदर कम से कम एक आध टेबल, बिल्कुल सिंपल सा टेबल बना के आप उसके अंदर वो उसके कुछ फीचर्स वगैरह डाल देते हैं, तो ये देखें इन्होंने हर उसमें डाला हुआ है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं भूल गया था वो वीडियो एम्बेड करना, यूट्यूब पे सर्च कर लें उसके रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दें, एम्बेड कर दें, ठीक है। अगर आप किसी के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसको उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, तो वो आपने उसके अंदर आर्टिकल के अंदर वो उसको एम्बेड कर देगा, ठीक है। ये अब देखें वीडियो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने एम्बेड की हुई है, गूगल की नज़रों में उसने एक प्लस पॉइंट लिया हुआ है, ये एक वोट है, काउंट होते हैं इस तरह की चीज़ें गूगल की रैंकिंग के लिए। तो ये चीज़ें हैं, यानी इस तरीके से आप अगर आर्टिकल लिखेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्डली कि ये मेरा कंपटीटर है और इसने ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है और मैंने उसी को फॉलो करना है कंपटीटर को, लेकिन उससे अच्छा लिखना है, यानी उसने जो चीज़ें ऐड नहीं की हैं वो मैंने ऐड करनी है। अगर उसने टेबल का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं टेबल इस्तेमाल करूँगा, उसने बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं बुलेट का इस्तेमाल करूँगा, और उसने H1 H2 टैग्स वगैरह वो सही तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो मैं अच्छे तरीके से करूँगा। उसका जो कंटेंट है अगर वो आउटडेटेड है, उसको लेटेस्ट रिसर्च उस टॉपिक के ऊपर नहीं पता, तो वो रिसर्च मैं करूँगा, और रिसर्च कैसे करूँगा ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप काम तो कर रहे हैं इसके लिए, अब आपने ज़ाहिर है ये आपका मेन जो क्यूरी है वो ये है, प्लांटर फैसेटिस क्या कहते हैं इसको, अच्छा। अब आपने जब इसकी गाइड लिखनी है तो आप व्हाट इज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करें व्हाट इज़ प्लांट, अब आपका यहाँ पे कंपटीटर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका कंपटीटर नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन जो कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपको दे रही हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी हैं, उनका लिंक आप वहाँ पे अपने आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मसलन ये देखें, ये मायो क्लिनिक वालों का है, आ रही है हेल्थ लाइन वालों की आ रही है, ठीक है जी। अब हेल्थ लाइन में आप यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि वो उसका यानी कि कॉपीराइट का इशू ना आए, अपनी ब्रेक मतलब कुछ चीज़ें यहाँ से, कुछ अगले वाले रिजल्ट से, कुछ उससे अगले वाले रिजल्ट से, और फिर जो रिलेटेड क्यूरीज हैं उनको अलग अलग यहाँ पे सर्च कर लेना गूगल के अंदर, और फिर उससे लेना विकीपीडिया के अंदर, विकीपीडिया क्या कहता है इसका इसके बारे में, ठीक है जी। तो विकीपीडिया से इन्फॉर्मेशन ले लेना, ये देखें विकीपीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई होती है, और यहाँ से आपको मैं ये भी बता दूँ कि अक्सर इनकी जो इमेजेस होती हैं ये क्या कहते हैं उसको, रीयूज अलाउड होती हैं, ठीक है, तो वो भी आप इस्तेमाल इसमें अक्सर कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको एडिट करके और उनका क्रेडिट और उसका लिंक उसके अंदर डाल के, अच्छा। तो ये चीज़ें मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन ली, आप यहाँ से अगर इन्फॉर्मेशन लिए तो इसका रेफरेंस भी उसके अंदर एंटर करें,
कि मैंने विकिपीडिया से इन्फॉर्मेशन ली है, उसका उस पेज का उसका एग्जैक्ट जो लिंक है वो वहाँ पे दें, ताकि अगर यूज़र उसको, क्योंकि हमने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होती है वो इतनी ब्रीफली देनी होती है, मतलब है कि मुख्तसर अंदाज में देते हैं, हम पूरा इनका आर्टिकल नहीं वहाँ पे डाल सकते। लेकिन अगर यूज़र चाहता है कि उसको इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपके उस लिंक से यहाँ पे आ सकते हैं इस साइट के ऊपर। इससे क्या होगा, गूगल की नज़रों में पता चलेगा कि आपने वाकई एक अच्छी रिसर्च की हुई है, और आप मतलब मेन जो वेबसाइट्स हैं, जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो जिनका ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है, आप उनके साथ लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब है वैलिड इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको आपने ख्याल रखना है, तो आपका आर्टिकल बहुत अच्छा होगा और आउट रैंक कर देगा। थैंक यू वेरी मच।